नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉइंट पेन पे। मुझे कई बार रिक्वेस्ट आया था कि जॉइंट पेन पे वीडियो बनाएं, सो आज जो है मैं जॉइंट पेन पे वीडियो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेदा परस्पेक्टिव व्यू से जॉइंट पेन जो है ये क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा दोष मौजूद रहता है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि वात पित्त और कफ, ठीक है, ये तीन प्रकार के हमारे दोष हैं। अब जो जहाँ जहाँ जॉइंट्स है उसमें कौन सा दोष मौजूद है, वहाँ पे कफ दोष मौजूद है। कफ के पांच भेद होते हैं, ठीक है, उन पांच भेदों में से एक भेद है श्लेष्मा। ठीक है, तो श्लेष्मा जो है ये हमारे जितने ज्वाइंट्स है इस श्लेष्मा, अब इसका श्लेष्मा का गुण क्या है, ये जो है सबसे पहले तो ये ना चिपचिपा सा होता है, जिसे हम स्निग्ध बोल सकते हैं। ठीक है, स्निग्ध बोल सकते हैं, ठीक है, ये स्निग्ध होता है और ये जो है गर्म है, ठीक है, उष्ण है। और ये कफ का एक भेद है, ठीक है, कफ के पांच भेद होते हैं, उनमें से ये एक पद है, भेद है। अब कफ के क्या गुण है, ठीक है, कफ जो है वो ठंडा है बेसिकली, ठीक है, कफ ठंडा है, ठीक है, चिपचिपा है, भारी है ये, ठीक है, स्थूल जिसको कह सकते हैं, स्थूल बोला जाता है, भारी है ये। और तो इसको करेक्ट करें, ये ठंडा, ठीक है, ये कफ भी ठंडा है। तो इस प्रकार से जो है ये इसके गुण है। देखें, जब भी हम अपने शरीर में कोई, जैसे मान लो एसिडिटी है, ठीक है, एसिडिटी क्या है, ये गर्म है। अब ये ऑलरेडी हमारा शरीर गर्म है और इसको और ज्यादा गर्मी करेंगे तो वो उससे अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये कफ जो है ये ठंडा है, अब ठंडे को और ठंडा करोगे तो क्या करेगा, वो लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। तो अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि जब ठंडा होता है, या तो ये ज्वाइंट पेन रात में दर्द करेंगे, रात में क्या होता है ठंडक हो जाती है, ठीक है, या फिर सर्दियों में बहुत ज्यादा जो है दर्द होता है, ठीक है। तो यही इसका मुख्य कारण है कि जो इसका जो गुण है ठंडा है, ठंडा प्लस ठंडा, एक्स्ट्रा ठंडा हो जाता है, उस वजह से जो है ज्वाइंट पेन हमारा होता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, उसके अपोजिट वाली चीज करनी, ठीक है, ठंडा है तो ठंडे को गर्म देना है। अब मान लो ज्वाइंट पेन हो रहा है, ठीक है, वहां पे एकदम ठंडा हुआ पड़ा, अब उसको जो है गरम सेक दे दो, ठीक है, गरम सेक का दे दो, और जो है गरम पानी से उसको धुल दो, ठीक है, तेल लगा के मालिश करो, ठीक है। तेल कौन सा, गरम तेल। गरम तेल कौन सा होता है, देखें, तिल का तेल गरम है, सरसों का तेल उसे थोड़ा सा गर्म है, वो भी गर्म है, सरसों का तेल भी इस्तेमाल, लेकिन तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे सबसे बेस्ट है, वो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। और उसका जो है कोकोनट ऑयल, वो ठंडा है, ठीक है, कोकोनट ऑयल यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो गरम तेल ही यूज करना है, गरम तेल, तिल का तेल सबसे बेस्ट है, ठीक है। तिल का नहीं मिल रहा है तो फिर सरसों का तेल जो है लगा के मालिश कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, वो ठंडा था उसके अपोजिट दे दिया, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वायु जिसकी बड़ी होती है, आप देखेंगे कि जिसके अंदर ना गैस बहुत ज्यादा बनती है, गैस, उसको भी बहुत ज्यादा जो है ज्वाइंट पेन होता है। अब गैस का गुण क्या है, गैस के गुण जान लेते हैं, ठीक है। गैस जो है हल्की है, ठीक है, ये शीत है, ठीक है, ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा है ये, ठीक है, शीत है गैस जो है, ठीक है, और ये ट्रेवल करती है, घूमती रहती है, चल है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि ये जो शीत है ना, शीत, ये शीत ठंडा तो ये ऑलरेडी है, अब आपको गैस बनी हुई है वो भी ठंडी है, तो ठंडा प्लस ठंडा क्या हो गया, एक्स्ट्रा ठंडा। फिर उसी वजह से भी जो जो हमारे जो ज्वाइंट्स पेन है, दर्द करते हैं, क्योंकि वो ठंडी ठंडी गैस जो, क्योंकि गैस का जो गुण है वो है ये ठंडा, शीत है, ठीक है, अब वो ठंडी ठंडी जो ट्रेवल करती है, तो ठंडा प्लस ठंडा एक्स्ट्रा ठंडा, उस वजह से जो है ज्वाइंट पेन करने लगता है, ठीक है। तो ये तो रहा आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो गैस को नहीं बनने देना है बॉडी में, गैस को नहीं बनने देने के लिए वो सब आपको पता है, मान लो आपको इस यहाँ पे गंदगी की वजह से गैस बन गई तो आपको एनीमा करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है सफाई करने के बाद अगर आपको वो गैस बन रही है तो उसके बाद जो है आपको घी खाना है, ठीक है, देसी गाय का घी खाना है आपको, ठीक है, क्योंकि रुक्षता बढ़ती है, ठीक है, तो रुक्षता की वजह से भी जो है हमारी बॉडी में गैस बनता है, ठीक है, तो उसको भी हमने रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो ये खा सकते हैं, इसके अलावा कोकोनट की गरी भी खा सकते हो, ठीक है, कोकोनट की गरी भी खा सकते हो, उसमें भी तेल होता है, बेसिकली तेल जाना चाहिए बॉडी में, ठीक है। और सो इस तरह से जो है ये तो रहा आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव, जो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियों में दर्द करता है, जब वायु बढ़ती है तब दर्द करता है, बिल्कुल फैक्ट है। अब हम जानते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से क्या है ये, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका, ठीक है, यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड क्या है, दिस इज बेसिकली आमा, ठीक है, आमा क्या है, ठीक है, आमा इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि जो हम खाते पीते हैं तो उसका एक वेस्ट निकलता है, ठीक है, कई बहुत टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, जैसे कि आप खाएंगे प्रोटीन खाएंगे तो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ही वर्स्ट, बेकार, और उसमें भी सबसे ज़्यादा दूध का मेटाबॉलिक वेस्ट, दूध अब जब पीते हैं ना उसका मेटाबॉलिक बहुत ही खतरनाक आमा निकलता है, ठीक है। और जो है दालें, ठीक है, दालों में प्रोटीन होता है, जिस चीज़ में प्रोटीन है ये मान के चले, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन जिसके अंदर है और सूखा है एकदम से, उसका मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत खतरनाक निकलेगा, ठीक है। तो ये जो आमा है, जो यूरिक एसिड है, ये हमारे जहाँ जहाँ स्पेसेस होती है, मान लो ये है, यहाँ जाके जमा हो जाएगा, तो घुटनों में जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये यूरिक एसिड हमारा जो है ज्वाइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है। अब यूरिक एसिड जमा हो गया है मान लो, ठीक है, तो वो करेगा क्या, एसिड क्या करता है, जलाता है, ठीक है। अब हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेशन, ठीक है, जैसे बताया ना स्लेच्छा कफ, कफ क्या है, स्निग्ध चीज, ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन होती है, ठीक है। अब ऐसे क्या करेगा, उसको शरीर को जला देगा, जो है जितना जहाँ जहाँ जमा हुआ है, तो जब जला देगा तो उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, फिर ये खट्ट खट्ट करने लगेगा, जब अब इसमें लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये जो हड्डियाँ वो खट्ट खट्टी करेगी, ठीक है, तो ज्वाइंट वो पेन भी करेगा, बैठेंगे उठेंगे चलेंगे, हैं, सो वो जो स्निग्ध चीज है, जो स्लेच्छा जिसको बोला जाता है स्लेच्छा कफ, ठीक है, वो है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि यूरिक एसिड ने उसको चला ही दिया है। तो इस प्रकार से जो हमें यूरिक एसिड को अपनी बॉडी में कम करना है, उसके लिए क्या करना है, मैंने बता दिया, दालें नहीं खानी, बिल्कुल ही नहीं खानी है दालें, तो मैं वैसे ही अपनी डाइट में सबको बंद करवा रखी है, ठीक है, दालें नहीं खानी है, ठीक है, दूध नहीं पीना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद है, तो भाई यूरिक एसिड तो बनेगा ही, सीधी सी बात है, ठीक है, यूरिक एसिड बनेगा नहीं तो फिर भगवान ने पता ही है आपको कि सब कुछ ऑटो रिपेयर के लिए हमारा पूरा शरीर बनाया है, वो अपने आप ही बन जाएगा दोबारा, जो है कफ जो है इसमें सिलेक्शन कफ अपने आप आ जाएगा पूरे जॉइंट्स में, ठीक है, तो यही तो करना है हमें, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, नंबर एक पे गैस को कम कर देना है, गैस को कम करने के लिए आपके कॉलन में वो जमा है तो एनीमा करके 10-12-15 दिन उसको साफ कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी वजह से गैस बनेगा तो आप देसी गाय का घी खा लेना, ठीक है। अब यहाँ तीसरी चीज क्या करनी है, देखें पूरा दिन आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट पे ही रहना है, फुल डे, ठीक है, मॉर्निंग में तीसरे नंबर पे ये देसी गाय का घी आप रात को लेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी, रोज नहीं लेना है, कभी कभी जब आपको लगे गैस बन गई, ठीक है। यहाँ पे आपको लेना है तीसरे नंबर पे, ठीक है,
ग्रीन जूस, ठीक है, जो मैं बताता हूँ, ठीक है, ग्रीन जूस जो कि पालक, टमाटर आधा कुची पालक, एक टमाटर, दो आंवला, ठीक है, ये ग्रीन जूस सबसे पहले नंबर पे आप लेंगे। फिर उसके बाद एक जो है जिसमें ज्यादा पानी हो, ज्यादा पानी वाला फ्रूट जैसे कि पपीता, वाटरमेलन और इस तरह की चीजें जो है वो आप लेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी फ्रूट्स ले आप, फ्रूट्स, और सारा दिन जो है उसके बाद सलाद आपको खाना है, ठीक है। ARM डाइट को मैंने पीछे कोई एक्सप्लेन कर दिया, उसमें बहुत अच्छे से सारा कुछ बताया हूँ पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है छठे नंबर पे जो चीज़ है, आप जो है ग्रेन्स अगर कुछ खाने का आपका इच्छा है, अगर 24/7 आप रोड ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है, सारा यूरिक एसिड मार्ग भगा देगा, ठीक है, सारा यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा ज्वाइंट्स का, ठीक है। नहीं खा सके तो आप जो है रात को मिलेट्स ऐड कर लें, ठीक है, 5 प्रकार के मिलेट्स मैं कई बार आपको वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इतना सा काम करना है, ठीक है, और बंद क्या करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है, मरी हुई चीजें, मरी हुई चीज क्या है, सभी पैकेट पैकेट की चीजें, ठीक है, जितनी भी, ठीक है, कई लोग मर चुके हैं उनको नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, पैकेट की चीजें, ठीक है। और दूसरा जो है क्या है, ये अपना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, सारा दूध, दही, घी, मक्खन, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद जो है घी में आप देसी गाय का घी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है सभी दालें बंद कर देनी, ठीक है, दालें सारी बंद कर देनी, एकदम ठोक ठोक के एसिड बनाती है ये, मैं बता दूं आपको, कोई मूंग मसूर एवरीथिंग कुछ, ठीक है। सो इस प्रकार से ये चीजें बंद कर देनी है आपको, ठीक है, मसाले वगैरह भी बंद रखें, ठीक है, मसाले वगैरह ना खाएं गर्म दी, ठीक है। और सो इस तरह से आपको जो है ये सारा डाइट जो है आपको करना है। सो